हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि पीएचडी से रिलेटेड है। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपना पीजी जो है वो कंप्लीट कर लिया है और वो चाहते हैं कि उन्हें अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने को मिले, तो उनके लिए जो नोटिफिकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आप मेरे द्वारा बनाए गए किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो इसके लिए आपको टाइप करना है गूगल पे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। जैसे आप यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास टाइप करेंगे तो एक नया विंडो ओपन होगा जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको दे रखी होगी। तो जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.unom.ac.in। तो आपको इसी पर क्लिक करना है। करेंगे तो नया विंडो ओपन होगा, तो आपका जो इंटरफेस मिलेगा वो इस टाइप का मिलेगा। तो इस टाइप के इंटरफेस मिलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लैश न्यूज, साथ ही पीएचडी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जुलाई 2020 सेशन। तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो नया विंडो ओपन होगा इसमें आपको दे रखा होगा ऑप्शन अप्लाई नाउ का, पीएचडी सर्कुलर, रिवाइज पीएचडी रेगुलेशंस, फॉर्मेट फी डिटेल्स, रिसर्च प्रोग्राम्स, ऑनलाइन पेमेंट गाइडलाइंस। तो आपको अप्लाई नाउ पे जाना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे जाएंगे तो कुछ आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे होंगे, जैसे कि आपको जो फोटोग्राफ या सिग्नेचर जो आपको अपलोड करना है उसका डीपीआई 200 होना चाहिए, ऐसे करके कुछ इंपॉर्टेंट जो है नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे होंगे। साथ ही साथ आपका जो पैटर्न ऑफ स्टडी होना चाहिए वो 10+2+3+2 या 11+1+3+2 होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे पीएचडी प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर आपको 55% मार्क्स आपका पीजी में होना चाहिए, वहीं एससी एसटी के लिए 50% होना चाहिए। तो ऐसी क्या क्या कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ और कुछ इंपॉर्टेंट दे रखा है, हाँ। तो इसके बाद आपको क्या इंपॉर्टेंट दे रखा है कि अगर आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने अगर फिलअप किया तो आपको उसे जो है वो सेंड करना पड़ेगा, उसकी हार्ड कॉपी आपको भेजनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट एफिलेटेड कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूशन वेयर द कैंडिडेट इज प्रपोज्ड टू डू देयर रिसर्च वर्क ऑन और बिफोर 22 अगस्त। तो इसका देखिए, जैसे कि नोटिफिकेशन बढ़ा के 22 अगस्त कर दिया गया, तो इसका जो नोटिफिकेशन है यानी कि आप जो है 22 अगस्त तक आप जो है पीएचडी के लिए या किसी और कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए, जैसे कि आपको जो टोटल पेपर होगा वो आपका 50 मार्क्स का होगा, उसमें से आपको 25 मार्क्स जो है वो ऑब्टेन करने पड़ेंगे रिटेन और ओरल दोनों मिला के। तो आउट ऑफ 50 मार्क्स यू हैव टू ऑब्टेन मिनिमम 25 मार्क्स फॉर क्वालिफिकेशन। इसके बाद इन्होंने बोला है कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड, जिसमें इन्होंने बोला है तो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 50 होंगे, जिसमें 35 मार्क्स जो होंगे वो रिटेन के होंगे, वही जो 15 मार्क्स होंगे वो ओरल के होंगे। तो टोटल आपको 50 मार्क्स का पेपर आपका होगा, इन 50 में से आपको 25 मार्क्स जो है वो ऑब्टेन करने हैं सिलेक्शन के लिए। इसके बाद इन्होंने बोला है जो कि एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5% का छूट दे रखा है, रिलैक्सेशन दे रखा है, तो उन्हें 50 में से 50% to 45% यानी कि उन्हें सिर्फ 45% मार्क्स जो है वो ऑब्टेन करने हैं। इसके बाद इन्होंने कुछ और, तो मुझे ख्याल कुछ एक्सेप्शन नहीं है इस पर, वैसे भी परमिटेड टू फी विद द एक्सेप्शन एंटी फंडेशंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थे या इंस्ट्रक्शन थे। तो इस पे आपके बाद आपको जब एक्सेप्ट करना है ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन अगर प्रोसीड करना है, तो जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो नया विंडो ओपन होगा। इस टाइप विंडो में आप जाके जो है अपना जो भी ईमेल आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो भर सकते हैं पीएचडी डिग्री के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं फी कि इसका फी कितना है, तो इसका इसके लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट में जाना पड़ेगा। ऑनलाइन पेमेंट में जाने के बाद आपको प्रोसीड टिक करना पड़ेगा, टर्म्स एंड कंडीशन सारी आपको पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा पेमेंट कैटेगरी। तो जैसा कि आप एप्लीकेशन कॉस्ट और पीएचडी एडमिशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि आपको कितनी एप्लीकेशन जो फी है वो फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 500 एप्लीकेशन कॉस्ट दे रखा है जो कि आपको पे करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे। तो ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में जो है पीएचडी एडमिशन निकल रखे हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्सेज के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पे जाके जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक नैक एक्रेडिटेड ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है,
ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी, ये की स्टेट यूनिवर्सिटी हालांकि है, लेकिन इसकी जो रैंकिंग है, इसका हम लोग बोल रहे थे जो ग्रेडिंग है, वो नैक एक ग्रेड है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि स्टेट यूनिवर्सिटी को भी नैक एक ग्रेड मिला हुआ है। तो ये यूनिवर्सिटी मद्रास ये बहुत ही अच्छी है। तो आप यहाँ पर जो है अपना PhD या PG कर सकते हैं। तो यहीं पर जो मेरा वीडियो है वो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाए। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।